स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो आप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में नई तरीके से इंस्टाग्राम को कैसे चला सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको क्रोक्सी प्रोक्सी के अंदर से यूट्यूब वगैरह को नहीं चलाना है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तीन चार वेबसाइट दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप क्रोक्सी प्रोक्सी को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप उन वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी दमदार वेबसाइट है और उनमें आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम भी बहुत कम देखने के लिए मिल जाती है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों और इन्फॉर्मेटिव भी। तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहती हैं। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीख लेते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में इंस्टाग्राम को कैसे चला सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा जिससे कि आप यहाँ पर यूट्यूब वगैरह को चला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर वाईफाई को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है सिंपली से डिवाइस मेंटेनेंस के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों आपको मेमोरी पर क्लिक कर देना है। और मेमोरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एक्सक्लूडेड ऐप मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से कनॉक्स मैनेज पर क्लिक करना है आपको। तो हम यहाँ पर सिंपली से कनॉक्स मैनेज को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे परमिशन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको फ़ोन वाली परमिशन पर क्लिक करना है, यहाँ से सी ओ अलग विद दिस परमिशन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके पहले सो सिस्टम कर देना। फिर आपको नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको वन यू आई होम मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। वन यू आई होम पर क्लिक करने के बाद आपको सी ओ वन यू आई होम परमिशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इस पर सिंपली से क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको वन यू आई होम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वन यू आई होम सेटिंग पर क्लिक करना है, और अब दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी सेटिंग तो ओपन हो गई है। सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है फॉरगॉट पासवर्ड, ये दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से लिख देना है। जैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड लिखेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर देना है, और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको साइड में ये सर्कल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ से प्राइवेसी पर क्लिक कर देना, तो आपका ये वाला यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी चाहें यूट्यूब या इंस्टाग्राम वो आप यहाँ पर चला सकते हैं। चलिए मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से सर्च कर लेना है crocsyproxy.com। आगे दोस्तों आपको ये भी बताऊँगा कि आप बिना क्रोक्सी प्रोक्सी के कैसे चला सकते हैं दूसरी वेबसाइट से। पहले मैं आपको एक बार यहाँ से चला कर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे चले जाना है और इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना, और अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम है वो जो ओपन हो गया है। इसके अंदर आप यहाँ पर दोस्तों लॉगिन वगैरह करके आप यहाँ पर इंस्टाग्राम को सही तरीके से चला सकते हैं। बस इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका यहाँ पर मैसेज वगैरह नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सभी को आपको अलाउ कर देना है एक बार, और अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है, फिर आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम चल जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप अपने गवर्नमेंट टैब में और कौन सी वेबसाइट हैं बिना क्रोक्सी प्रोक्सी के जिससे कि आप यूट्यूब को चला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चले जाते हैं गूगल पर। तो फ्रेंड जो फर्स्ट वेबसाइट है जिसको कि आप क्रोक्सी प्रोक्सी की तरह यूज़ कर सकते हैं वो है दोस्तों hide.me। तो आपको सिंपली से गूगल पर सर्च कर लेना है hide.me। तो ये गलत हो गया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये आपको लिखना है hide.me proxy। जैसे आप ये लिखेंगे आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है इस पर आपको सिंपली से इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर वेब एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी वेबसाइट चलानी हो बस सिंपली से उसका URL ऐसे टाइप कर देना जैसे कि मैंने लिखा है। तो ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है www.youtube.com। YouTube चलाने के लिए ये होता है, और Instagram चलाने के लिए आपको बीच में Instagram लिख देना, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगी। उसके बाद सिंपली से गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना आपको, और जैसे ही आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका दोस्तों ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर फिर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो भी दोस्तों इसको यहाँ पर आपको ऐसे साइड कर देना है इस पर क्लिक करके। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर YouTube ओपन हो गया है बिल्कुल सही तरीके से। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेकंड वेबसाइट की। तो इस वेबसाइट में आपको थोड़ा बहुत नेट का इशू मिल जाता है। अगर आपका नेट थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तब भी आप इस वाली वेबसाइट को यूज़ करना,
वरना दो वेबसाइट और हैं, उनको एक बार देख लेना। अगर आपको वो सही लगती हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से प्रॉक्सी साइट सर्च करना है और फर्स्ट वाली वेबसाइट पर सिंपली से क्लिक कर देना। और अब ये वाले दोस्तों सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो वैसे आप देख लेना तीनों वेबसाइटों में से आपको कौन सी पसंद आती है, फिर उसमें से आपको यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये, इसमें भी आपको यूट्यूब सर्च करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, गो पर। और दोस्तों इंस्टाग्राम चलाने के लिए आपको सिंपली से ये वाला यूआरएल वहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम चल जाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी वेबसाइट कौन सी है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरी वेबसाइट की। तो तीसरी वेबसाइट का नाम है के प्रोक्सी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से सर्च कर लेना है kproxy.com। ये लिख कर दोस्तों आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर भी दोस्तों आप वैसे ही यहाँ पर चला सकते हैं जैसे कि हमने बाकी सारी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर चलाया, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर यूआरएल डालना है यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ पर यूआरएल डाल दोगे तो मैं सिंपली से यहाँ पर गूगल की जगह यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐप पर डाल कर आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ यूट्यूब। यूट्यूब डालने के बाद जैसे ही मैं गो पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग लेने लग जाएगा जैसे कि रोक्सी प्रोक्सी में होता था। और उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो जितने भी दोस्तों हमने अभी तक वेबसाइट चलाई हैं उनमें सबसे से बेस्ट एप्लीकेशन मुझे लगी है, बल्कि बेस्ट जो वेबसाइट मुझे लगी है वो है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपका नेट भी बिल्कुल सही तरीके से चलता है फास्ट, और क्रोक्सी प्रोक्सी से भी फास्ट दोस्तों इसके अंदर आपका इंटरनेट चलता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं क्रोक्सी प्रोक्सी की जगह कोई भी वेबसाइट अपने टैब के अंदर, तो आप इस वाली वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर में जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसको हाइड करने के लिए सिंपली साइड पर क्लिक करना है, तो ये यहाँ पर हाइड हो जाएगी। तो ये मैंने बंद कर दी थोड़ी। तो ऐसे दोस्तों आप इन तीनों वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कोई कहीं पर भी नहीं। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।